हेलो स्टूडेंट्स, हाय, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। ठंड है, अपना ख्याल रखना, ठीक है। आज हम आपके सामने ये सवाल लेके आए हैं, स्क्वायर इक्वेशन, जिसको कहते हैं द्विघात समीकरण इन हिंदी, ठीक है। आज इस सवालों को करेंगे, देखिएगा, ये आपके सामने सवाल है, इन सवालों को आज मैं सॉल्व करता हूँ। ध्यान रखना, बहुत प्यार से समझाऊंगा, टेंशन फ्री होकर समझना, बिल्कुल दिमाग से बहुत रेशन निकल जाएगा, प्यार से समझ में आ जाएगा, ये समझ लेना गाजर का हलवा है, देखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले हम कौन सा सवाल करते हैं, सबसे पहले सवाल नंबर हमारा एक ये है, इसको करते हैं। 2x² + 3x - 5, इसका होता है इसमें मल्टीप्लाई, किसमें? इसमें मल्टीप्लाई, 5 का 3, 2 में मल्टीप्लाई होगा, 5 × 2 = 10 हो गया। 10 के फैक्टर करेंगे हम, ये किसका साइन है? माइनस का, माइनस से 3 आना चाहिए, तो 2 5 5, ठीक है। तो 5 × 2 करने से हमारा 10 आए, और 5 - 2 करने से 3 आए, तो हम ठीक है, यानी कि हमने 3 की जगह वैल्यू कौन सी रखनी है? 5 - 2। तो देखिएगा, सबसे पहले हम सवाल करेंगे 2x² + 5 - 2, एक्स इसके साथ है तो लगा देंगे -5, ठीक है। अभी यहां तक ठीक है, अब फिर इसको हम करेंगे 2x² + 5, अब पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो 5x माइनस है तो माइनस हो जाएगा, -2x और -5, ओके। अब इस और इसमें कॉमन लेंगे हम, कॉमन कौन होता है जो दोनों तरफ से खेलता है, जैसे हम आप मैच खेलते हैं, तो जो कॉमन होता है वो दोनों तरफ से तो फील्डिंग करता है और दोनों तरफ से खेलता है, यानी जो दोनों तरफ होगा वही होगा कॉमन। एक्स इधर भी है, एक्स इधर भी है, तो एक्स आ गया हमारा कॉमन, क्या बचा? 2x + जो भाई यहाँ 2x था, तो 1x कॉमन आ गया, तो केवल 1x बचा। अब यहाँ पे एक ही एक्स है, ऑलरेडी वो कॉमन आ चुका है, तो क्या बचा? 5, चैप्टर क्लोज, माइनस। अब यहाँ पे कॉमन आने के लिए कुछ है ही नहीं, तो वन आप जानते हैं हमेशा सबके साथ होता है, वन इज विच नंबर बिलोंग्स ऑल नंबर्स, यानी सबके साथ वन होता है, तो वन ले लेंगे कॉमन, जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखना। तो क्या बना? 2x + 5, कैपिटल क्लोज। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एक जैसे हैं, तो इनको लिख लेंगे हम एक बार, ध्यान रखना इसी बात को, 2x + 5 इसको लिख लिया हमने एक बार, बाकी बचा हुआ एक्स और -1, यही हमारा क्या हो गया? यही हमारा दोस्तों आंसर हो गया, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अब करते हैं सवाल नंबर 2 को, देखिए 13x² + 16x + 3, इसका मल्टीप्लाई इसमें, जोड़ने से 16 आए और मल्टीप्लाई से इसका जो मल्टीप्लाई है वही है, सो इस बात ये सिंपल कर दिया, जोड़ने से सीधा सीधा 16 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 13x² + 3x, ठीक है, 13 + 3x और प्लस का 3 है, यही लिख देंगे हम, इसमें कुछ नहीं करेंगे, 13x² + इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा +3x + 3, इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा, वही बात जो दोनों तरफ हो, तो 13x पूरा ही कॉमन आ रहा है दोस्तों, क्या बचा यहाँ पे, x, 13 ऑल्सो कॉमन आ चुका है, हम दो थे तो एक कॉमन हम ले चुके, ध्यान देना 13 था कॉमन ले लिया, 2x थे हमें 1x कॉमन लिया, तो अंदर 1x बचा, यहाँ पे 13x पूरा ही हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 1, भाई हम क्या करेंगे, 3 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, क्या बचा, x प्लस, जब 3 कॉमन ले लिया क्या बचा, 1, ये ब्रैकेट एक जैसा, इसको लिखेंगे एक बार, बाकी क्या बचा, 13x, ध्यान देना 13x, ओके, देखियो 13x और x प्लस 1, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ध्यान देना। अब इसी प्रकार हम सवाल नंबर 2 इसको करेंगे, 8x² - x - 7, 8 का 7 में मल्टीप्लाई कितना आया, 56, माइनस करने से 1 आना चाहिए, जब इसके पास कुछ नहीं है तो 1 हमेशा मौजूद रहता है, तो 8 - 7 कर देंगे, 1 हो जाएगा, और 8 × 7 = 56, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 8x² - 8 - 7, पूरे का आंसर क्या होता है, 1 और -7, ठीक है, इसको हम ऐसा ही लिखने देंगे, 8x² - 8, अब इसका मल्टीप्लाई डाले इसमें होगा, फिर इसमें होगा, स्टेप बाय स्टेप सब में होगा 8x, लेकिन ये बाहर जो मौजूद माइनस है ना, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ऑल टाइम रिमेंबर, इफ ब्रैकेट अपोजिट साइड साइन, यानी कि ब्रैकेट के बाहर अगर साइन माइनस का है, तो ब्रैकेट के अंदर का मौजूद साइन चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अब क्या हो गया, इस और इसमें कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन, सीधी सी बात है भाई, जो दोनों तरफ है उसको कॉमन ले लो, 8x इधर भी हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, x, माइनस 8x जब हम उसको कॉमन ले चुके हैं, तो क्या बचा,
वन भाई वन, और प्लस का यहाँ पे हमने क्या लिया कॉमन, सेवन ले ले रहे कॉमन बस। तो एक्स माइनस वन बचा, ये ब्रैकेट एक जैसा, एक्स माइनस वन, बाकी बचा हुआ एट एक्स, स्टाइलिस बन गया थोड़ा, एट एक्स माइनस सॉरी प्लस सेवन, यही हमारा क्या है, यही तो यार आंसर है, इसमें कंफ्यूजन होने वाली बात थोड़ी नहीं है। अब देखिए फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, यानी सिक्स फाइव जा थर्टी, माइनस करने से कितना है वन, जब इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या है वन है, तो हम क्या करेंगे फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस फाइव, सिक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू वन, सिक्स इंटू फाइव इक्वल टू थर्टी, बाहर एक्स है तो कर देंगे एक्स, अब फाइव एक्स स्क्वायर ऐसा ही रहने देंगे दोस्तों, और माइनस सिक्स एक्स माइनस फाइव एक्स, ओके सॉरी यहाँ प्लस रहेगा और माइनस सिक्स, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, सीधी सी बात है क्या है कॉमन, क्या है इसको क्या लिख सकते हैं, फाइव को फाइव ही रहेगा, टू इंटू थ्री क्या होता है सिक्स होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा कॉमन सिक्स, क्या बचा फाइव सॉरी एक्स कॉमन आ गया तो फाइव एक्स बचा, और प्लस का क्या बचा सिक्स, अब इसमें और इसमें क्या है कॉमन, कुछ नहीं है, एक तो है ही ना बाबू, एक तो सबके साथ रहता है, तो माइनस का वन कॉमन ले लिया, जब बाहर माइनस का वन कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन वैसे ही चेंज हो जाएगा, जैसे बाहर साइन होने पर अंदर का साइन बदल जाता है, यानी क्या हो जाएगा प्लस, अब जब दो ब्रैकेट एक जैसे तो उनको लिख लेंगे एक बार, ध्यान देना एक्स प्लस ठीक है, और बाकी का बचा हुआ एक्स माइनस वन, यही हमारा क्या है, यही तो आंसर है, यही तो आंसर है, देखिएगा कितना सिंपल है। अब देखिए एक्स क्यू माइनस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस 16x, ये थोड़ा टिपिकल हो रहा होगा आपके लिए, लेकिन हमें ये भी सिंपल है, जब चारों तरफ x है तो सबसे पहले इसको सिंपल करेंगे, कैसे सिंपल करेंगे, इसको हम सिंपल करने के लिए x ले लेंगे कॉमन, जब x कॉमन ले लेंगे अंदर क्या बचा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 16, ओके x कॉमन ले लिया तो सबके पास से x कम हो गया, देखिए 3x में दो ही रह गए, 2x थे एक ही रह गया, क्या एक ही था, खत्म हो गया खत्म, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 16 के ऐसे मल्टीप्लिकेशन करो कि माइनस करने से 7 आए, तो हम जानते हैं इधर कर लेंगे 16, इधर लिख लेंगे 2 30 2 50 3 5 5 5 1, ठीक है। अब 2 2 जा 4 एंड 5 3 जा 15, देखिएगा 15 माइनस 4 इज इक्वल टू 11 आ रहा है, 15 इज इक्वल टू 11 आ रहा, हमको लाना कितना है 7, 7 लाना है ना, तो और करेंगे देखिएगा माइनस करके लाना ना 7, तो 2 3 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है 4 3 जा 12 एंड 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7, ओके हमारा आ गया, यानी क्या लग रही है हमको, ध्यान देना x है रहेगा, तो x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5, बाहर x है रहने देंगे और 60 है बना रहने देंगे, x को बना रहने दो, x स्क्वायर माइनस 12x, ये माइनस का साइन जब अंदर का मल्टीप्लाई चेंज, ओके अब देखिएगा ब्रैकेट क्लोज, इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में अलग कॉमन लेंगे x, पर x कॉमन लिया जाए हमने तो अंदर क्या बचा x और माइनस का 12, ब्रैकेट क्लोज, x हम ऑल्सो कॉमन ले चुके हैं और प्लस का 5 ले लिया हमने कॉमन, तो x यहाँ पे बचा, 5 का अंदर डिवाइड लगेगा इसके साथ 1 बचा, तो 5 का डिवाइड 12 में 60 में ना लगेगा 12 बचेगा, देखे देख लीजिएगा 16 अपॉन 5 इज इक्वल टू 12, ओके अब मैं इसको निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, बाहर x से बना रहने दीजिएगा, x माइनस 15, ओके और x प्लस 5, ओके एंड चैप्टर क्लोज, ये ब्रैकेट एक जैसा, ये ब्रैकेट एक जैसा, यही हमारा आंसर है, इज दैट हमारा आंसर, इट इज वेरी सिंपल नॉट टफ, यह क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसको आपको सॉल्व करना है और हमें बताना, जीतने वाले को मैं कुछ ना कुछ न्यू ईयर का गिफ्ट दूंगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, इट्स फॉर यू, ओके ओके।